नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और हमेशा की तरह डॉक्टर पुनीत चावला मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर चावला, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की, या वास्तु के नजरिए से कहें, फिलॉसफी के नजरिए से कहें, जिंदगी के किसी फलसफे की बात करें, वो बहुत जरूरी होती है। और वो होता है उत्साह, वो होता है अंदर की खुशी, वो होता है पॉजिटिव एनर्जी। कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। अगर हम अच्छा चाहते हैं या अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर बुरा बुरा सोचते जाते हैं तो बहुत बार ये भी होता है कि उसकी हद डिप्रेशन पर जाकर रुकती है। तो हम आज बात करने वाले हैं पॉजिटिव एनर्जी के बारे में, नेगेटिव एनर्जी के बारे में, कैसे ये एनर्जीज हम तक आती हैं और कैसे ये हमारे घर में आती हैं वास्तु के नजरिए से, आज आपको इस खास पेशकश में हम बताएंगे। जी हाँ, तो मेरा वास्तु मेरा भाग्य में पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, पहले तो ये एनर्जीज होती क्या है, कहाँ से आती हैं? परवीन, बहुत अच्छा सवाल है कि होती क्या है एनर्जीज। देखिए दोस्तों, एनर्जीज कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसमें आप अच्छा और बुरा महसूस करते हैं। आप कई बार बहुत डिप्रेस महसूस करते हैं, कई बार बहुत ही अच्छा और बहुत खुश महसूस करते हैं। कोई कोई जगह, कोई कोई घर, कोई कोई ऑफिस ऐसा होता है जहाँ जाकर के आप बहुत ही चार्ज्ड अप फील करते हैं और बहुत ही खुश खुश महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ आपको वहाँ से मिल गया या किसी सामने वाले इंसान ने बहुत कुछ आपको दे दिया, वैसे ही खुशी आपके अंदर भर जाती है, वैसे ही एनर्जी यानी कि फुल ऑफ हेल्थ आप हो जाते हैं। कोई ना कोई, आपको दिमाग में कोई बात नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती, ऐसी जगह पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। और कई जगह आप जाते हैं दोस्तों, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। कई लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आप खुश खुश जाते हैं, जाते ही आपको लगेगा चिड़चिड़ापन, कुछ लगेगा कि कुछ फीलिंग्स ऐसी हो रही हैं, कब यहाँ से निकलें और कब आप अपने घर जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां आपको शांति मिले, या आपका घर कुछ ऐसी एनर्जीज लिए हुए होता है।